अच्छी ताली के गड़गड़ाहट के साथ दादा का स्वागत। भाइयों, ये रिकॉर्डिंग भी चालू है। मेरे भाइयों, सब लोगों ने बोला, सब साथियों ने बहुत मार्मिक बात बोली आप लोगों के लिए। एक बात तो मेरे समझ में नहीं आई कि पांच लोग अंदर हुए, छह पुतले बैठ गए हैं। अगर हजार लोग अंदर होंगे तो पूरा मध्य प्रदेश में पुतले ही पुतले दिखेंगे। और एक बात और समझ में आई, इधर नकली मामा है, इधर असली मामा दिख रहा है, फंटे मामा दिख रहे हैं। ये जो छह पुतले हैं, ये क्यों बिठाए गए हैं, इनका आपसे क्या रिश्ता है, इस आदिवासी समाज से इनका क्या रिश्ता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में यह पहला मौका है जब छह गाथाएं बिठाई गई है, हमारे छह शहीदों की गाथाएं बिठाई गई है। इसमें पहले नंबर पर संघर्ष और रघुनाथ शाह, जिन्होंने ब्राह्मणों का कानून मानने से इनकार कर दिया था। पहले ऐसा था कि राजा आदिवासी और कानून ब्राह्मणों का, मनुवादी। रघुनाथ शाह शंकर शाह ने बोला कि राज हमारा है तो विचार भी हमारे होना चाहिए, कानून भी हमारा होना चाहिए। इसका रास्ता यह निकाला गया कि यहां के ब्राह्मणवादियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर शंकर शाह रघुनाथ शाह के हुकूमत को खत्म करने का षड्यंत्र रचा और उनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन साथियों, फांसी में नहीं, इनको फांसी में फांसी की सजा दी गई लेकिन फांसी से नहीं लटकाया गया, ताकि यहां का आदिवासी डर जाए। यहां की आदिवासी जनता में एक डर निर्माण करने के लिए इन्होंने इनको तोप के तोप से उड़ाया है। इस देश आदिवासियों की फांसी की सजा होती है और तोप से उड़ाया जाता है। मेरे को एक ब्राह्मण शहीद बताइए भाई, एक उच्च वर्णीय शहीद बताइए, एक ओबीसी शहीद बताइए, जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा इस देश में। लेकिन आदिवासियों के साथ में जो हुआ है उससे हमको सबक लेने की जरूरत है। हमको सजा फांसी की होती है और ये लोग तोप से उड़ाते हैं। आपने फांसी की सजा दी और तोप से उड़ा दिए, उनके छितड़े छितड़े हो गए थे, उनकी कब्रों में नहीं बनाई गई, आखिर में उनके छितड़े को एक जगह जमा करके मिट्टी में डाल दिया गया। ये शंकर शाह रघुनाथ शाह है जिसने पहली बार बोला था कि अगर प्रदेश आदिवासियों का है तो विचारधारा भी यहां पर आदिवासियों की होनी चाहिए। ये शंकर शाह रघुनाथ शाह का समाज के लिए योगदान है। इन्होंने टंडे मामा के बारे में टंडे मामा की गाथा स्थापित की। ये जितना निमार मालवा क्षेत्र है, यहां पर 1835 के पहले आपके पास जितनी जमीन थी वो जमीन लीज की जमीन थी। यहां पेशवाइयों का राज था, राजाओं का राज था, हुकूमत थी यहां पर। एक तरफ मुगल हुकूमत थी, एक तरफ पेशवाई हुकूमत थी और अंग्रेजी हुकूमत भी थी। साथियों, पहले आप लोगों को, हम लोगों को, यानी पूरे आदिवासियों को इस देश में क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब होता है गुनेगार जमात, जो पैदा होते से गुनेगार होता है, जिसको नौकरियां नहीं है, जिसको सरकारी महकमे में नौकरी नहीं दी जाती थी, जिसको गांव के बाहर रखा जाता था। आदिवासियों के गांव अलग होते थे क्योंकि वो क्रिमिनल टाइप थे, वो गुनेगार थे। जब भी आदिवासी किसी शहर में जाता था तो ऐसा आदेश देते थे ये लोग कि उसको मार दो,
अगर आपने आदिवासी को मार दिया तो उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा। ये कानून को खत्म करने वाले भगवान का नाम है टंटा भील। इस कानून के बाद यहां पे जो बैठे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको नौकरियां लगी हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, माइनॉरिटी हो। आप जाके अपने घर के रिकॉर्ड निकाल लो, आपके जमीन में आपको जमीन मालिक कब से बोला गया है। पहले तो आपको भूधारक बोलते थे, टंटा भील के आंदोलन के बाद आप भू मालक बने हैं, यह सच्चाई है। टंटा भील मध्य प्रदेश में वो नाम है जिस नाम की वजह से मध्य प्रदेश की जमीन बची है, मध्य प्रदेश बचा है। यह किसी राजा ने जमीन नहीं दिया आपको, ये जो जमीन आपके पास है आज खेती कर रहे हैं आप लोग, ये जमीन राजा ने नहीं, आपको मान सहित महाविद्रोही भगवान टंटा भील की वजह से जमीन मिली है। और ये गाथा आपने स्थापित की है। टंटा भील का कर्जा एक 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 आदिवासियों के खून पर है, ओबीसी के खून पर है, दलितों के खून पर है। बाबा साहब को उनकी मां भगवान टंटा भील के कहानी सुनाती थी। स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बचपन में टंटा भील बनते थे। टंटा भील का सबसे ईमानदार सैनिक का नाम है रेंगा कोरकू। रेंगा कोरकू, इनको 18 भाषाएं आती थी। अंग्रेजी भी बोलते थे रेंगा कोरकू, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। इसी रेंगा कोरकू ने टंटा भील, भगवान टंटा भील के पास गया और बोला, भगवान यहां तो आदिवासियों को नौकरियां मिल ही नहीं सकती, ये तो क्रिमिनल टाइप बोलते हैं आदिवासियों को, गुनेगार जमात बोलते हैं। तो भगवान टंटा भील ने फरमान निकाला एक दिन बाद कि अगर ब्रिटिश सरकार टंटा भील को पकड़ना चाहती है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती कर दे। हजारों की संख्या में आदिवासियों को पुलिस में भर्ती किया गया, वहीं से आदिवासियों को नौकरी मिलना शुरू हुआ। वहीं से इस देश में कानून बना जिसमें यहां के आदिवासियों को सरकारी महकमे में नौकरी मिली। रेंगा कोरकू, टंटा भील, जितने लोग हैं जिन्होंने ये टंटा भील का इतिहास पढ़ा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, या जितने शहीद हुए सबकी मजारे है, सबकी कब्र है, लेकिन आपसे किसी ने पूछा रेंगा कोरकू की कब्र कहां है, टंटा भील की कब्र कहां है, आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि इन लोगों ने इनको गायब किया है। रेंगा कोरकू और टंटा भील के इलाके में एक भी पंडा नहीं भटकता था। आदिवासियों का राज चलता था, जिसको आप ग्राम सभाएं बोलते थे, उस वक्त टोली बोलते थे। 1,00,000 टोलियों को एक समय से चलाते थे टंटा भील, इसलिए उनको भगवान बोलते थे। आप आदिवासियों, टंटा भील की देन है, आप इस देश में जमीन के मालिक हो, ये टंटा भील की देन है, रेंगा कोरकू की देन है। इससे बेईमान हो गए थे हम, ये हमारे रियल भगवान है, ये ओरिजिनल भगवान है, ये ओरिजिनल मामा है। इन्होंने जो पुतला बिठाया है, ये नकली मामा को भूलना चाहिए समाज ने, और ओरिजिनल मामा को याद करना चाहिए करके पुतला बिठाया है, नहीं तो कोई भी अपने आप को कुछ भी बोल दे रहा है। आने वाले 26 तारीख को भगवान टंटा भील का जन्मदिन है। जिस दिन देश का स्वाधीनता दिवस रहता है उसी दिन भगवान टंटा भील का जन्मदिन रहता है। पाताल पानी में बहुत बड़ी सभा है जिसमें सामाजिक दीक्षा समारंभ कर रहे हैं। आप सब लोग 26 तारीख को पाताल पानी के लिए आमंत्रित है, आपको आना जरूरी है। उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनकी गाथा इन्होंने स्थापित की है। बाबा साहब ने जो ईमानदारी आदिवासियों के साथ की है उसको समझना बहुत जरूरी है। 2,00,000 से ज्यादा आदिवासी लोग मारे गए थे बिरसा मुंडा के संघर्ष में। इतनी खबर हो गई थी ब्रिटिश सरकार कि उनको मजबूरन कानून बनाना पड़ा, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, 1998 में। वो एक्ट में लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कानून बना है, इस कानून ने आपको इस देश का मालिक बनाया है। टंटा भील अपने सैनिकों को मालिक बोला करते थे।
ये वही बिरसा मुंडा है जिसने 14 साल की उम्र में भगवान टंटा भील का आर्टिकल पढ़ा था, 16 साल की उम्र में, जिनको रॉबिन हुड बोलते थे, जिनको रॉबिन हुड की पदवी दी अंग्रेजों ने, दुश्मनों ने उनको रॉबिन हुड बोला, और यहां के जो तथाकथित मनुवादी लोग थे उन्होंने टंटा भील को डकैत बोला, भगवान रेंगपुरकू को डकैत बोला, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को ये लोग अंबेडकर बोलते हैं, डॉक्टर नहीं लगाते। अबे भारत का संविधान बनाया उसने, यहां का एसटी, यहां का एससी, यहां का ओबीसी, यहां का माइनॉरिटी, यहां का ब्राह्मण, सभी उसके कर्जदार है। एक बड़ी जवाबदारी बना है, संविधान नहीं होता तो देश नहीं होता, और इसको देश बनाने की जवाबदारी और देश बनाने में जो किरदार निभाया है वो आदिवासी सैनिकों ने बनाया है। 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी, 30% गैर आदिवासियों ने लड़ी है। कुछ जंगली क्षेत्र थे जहां ओबीसी भी साथ में था, एससी भी साथ में था, आदिवासियों के साथ, लेकिन स्वतंत्र सेनानी के सर्टिफिकेट किसको दिए इन्होंने, जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाई। आदिवासी की तो पूरी कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी है। ये चरित्र समझना बहुत जरूरी है साथियों। बिरसा मुंडा का आंदोलन इस समाज को, पूरे देश को देश बनाने का आंदोलन है, क्योंकि बिरसा मुंडा के आंदोलन से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने प्रेरणा लिया है, बिरसा मुंडा के आंदोलन से महात्मा गांधी ने प्रेरणा लिया है, और भारत छोड़ो आंदोलन चला है। इसी आंदोलन की देन है बिरसा मुंडा की, कि महात्मा गांधी जी जो एडवोकेट थे, कोट टाई पहनते थे, वो टाई कोट उतार के लंगोटी पहन के पूरे देश में घूमे। बराबर बोले उन्होंने कि अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए, और टंटा भील तो सबका बाप होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो आदिवासी है, जिन्होंने जेल से भागे, बार बार माफीनामा लिख के दिए, उन लोगों को ये लोगों ने वीर, क्या क्या वीर, ये वीर, वो वीर, सब वीर बना दिए उनको, और हमको किसी की जरूरत भी नहीं है। ये तो बाबा साहब को गलती की है भारत रत्न देकर, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया, उसके बाद तेंदुलकर को दे दिए, क्या मतलब हुआ, और अब तो भारत रत्न बांट रहे हैं गोली बिस्किट जैसे। तो भैया हमारे जो बाकी महापुरुष है उनको किसी रत्न फतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिक है वो, उनको अपनी जमीन पे कौन पुरस्कृत कर सकता है, ये तो मूल मालिक है इस देश के। बिरसा मुंडा का आंदोलन ये समाज का आंदोलन था साथियों। बिरसा मुंडा ने टंटा भील का, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, महात्मा फुले, ये जो क्रांतिकारी थे, संभाजी महाराज, ये क्रांतिकारियों की विचारधारा को आगे बढ़ाई, और यही लड़ाई आज हमारे सामने सब लोग देख रहे हैं। जितने युवा यहां बात कर रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आदिवासी समाज का युवा बोलना सीख गया है, और यही कारण है आदिवासी नेता बिचक रहे हैं, डर रहे हैं, उनको लग रहा है अपनी दुकानदारी खतरे में आ सकती है। ये वही आंदोलन है जिसमें बोला गया राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। जिसको ये तकलीफ हुई, मैं उनके घर में सवेरे गया, उनका नाम इन्होंने रामदेव रखे, एक रामदेव और ये दवाई का धंधा करता है, वो रामदेव और ये रामदेव में जमीन आसमान का फर्क है। वो रामदेव पहले लोगों को नौकरी देने की बात करता था, अब वही लोगों के घर में जा रहा है और बोल रहा है काम दो, पैसे दो। वो रामदेव में और ये रामदेव में फर्क है। ऐसे जितने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये हमको याद रखना पड़ेगा। अगर ये लोग तुमको जिला बदर कर सकते हैं, ये लोग तुमको जिले से बाहर करने की रणनीति बनाते हैं, तो तुम इनको सत्ता से बाहर करने की रणनीति बनाओ तो बात है। ये ऐसा लग रहा होगा कि आदिवासी सोया है, ये भोला है,
इनको लग रहा होगा अभी इनको अंबेडकर नहीं समझ रहा है, इनको महात्मा फुले नहीं समझा है, ओबीसी आदिवासियों को नहीं समझ पा रहा है, ओबीसी को लग रहा है आदिवासी लड़ रहे लड़ने दो, दलितों को लग रहा है आदिवासी लड़ रहे लड़ने दो, मुसलमान क्रिश्चियन को लग रहा है आदिवासी लड़ रहे लड़ने दो। अरे भाई तुम भी वेटिंग लिस्ट में है, तुम प्रतीक्षा सूची में है, पहले आदिवासी मरेगा, फिर एससी मरेगा, फिर ओबीसी मरेगा, फिर मुस्लिम मरेगा, क्रिश्चियन मरेगा, ये तैयारी है। ये लोगों ने तो पूंजीपतियों को बेच दिया है, गरीब ब्राह्मण भी अभी बार के सामने बियर बार के सामने चौकीदारी कर रहा है, सच्चाई है कि नहीं? मैं दो बातें बताना चाहता हूं आपको, एक षड्यंत्र किया इन लोगों ने हमारे साथ, 1993 में इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराए, 1993 में इन्होंने यहां पर दंगा हुआ, और 1993 में भारत सरकार ने गलतनामा संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजी कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, भारत में आदिवासी नहीं रहते, इसका मतलब यह है कि आदिवासी भारत का नागरिक नहीं है। ये स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। एक बात ध्यान में रखना, भारत हिंदू राष्ट्र तब नहीं बन सकता है जब तक आदिवासी जिंदा है, क्योंकि वो इस देश का मूल मालिक है, आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, एससी ओबीसी माइनॉरिटी ये उसके वंशज है, ये समझाने की जरूरत है। जितना आदिवासी वनवासी हो जाएगा, ओबीसी एससी माइनॉरिटी स्वर्गवासी हो जाएगा, ये चाल चल रहे हैं आपके साथ। भारत में आदिवासी नहीं है, एक आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है जिसको भील वंश के लोग बोलते हैं, वो लोग भी आदिवासी नहीं है क्योंकि उनकी भाषा संस्कृत से जुड़ी हुई है, ऐसा हलफनामा भेजे हैं और अपने गांडू नेता चुपचाप है, बात नहीं करते हैं कुछ। अबे तेरी कौम को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, तेरी आने वाली पीढ़ी को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, और तू हिचड़े जैसा चुपचाप है, इस बात का सबसे फायदा है, इसका मतलब तेरे में बिरसा मुंडा का खून नहीं है, टंटा भील का खून नहीं है, तेरे में शंकर शाह रघुनाथ शाह का खून नहीं है, गोंड अलग भग रहा है, भील अलग भग रहा है, कोरको अलग भग रहा है, ओबीसी अलग भग रहा है, एससी अलग भग रहा है। अबे जो अपने भाई को नहीं पहचानता वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा, और जो अपने भाई को नहीं पहचानता वो दुश्मन को पहचान नहीं सकता, ऐसे लोगों को भगवान टंटा भील ने गाडू बोला है। ये जातिवाद, ये व्यक्तिवाद, ये पार्टीवाद छोड़, समाज को एक जगह कैसे लाओगे उस बारे में सोचो, ये समाज देश का एक जगह कैसे आएगा, ओबीसी कैसे आएगा एक जगह, एससी कैसे आएगा, ये गरीब ब्राह्मण भग रहा है आज, वो भी तुम्हारी लड़ाई का हिस्सा बन सकता है अगर उसको समझ में आ गया तो। मेरे भाइयों, ये है अपना गुरु असली, तो ये हमारे साथ ही हो रहा है। आपने अभी बोले कि भैया वहां पर जो कांड हुआ था, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसकी लाशें गला दी, 13-13 साल की बच्चियों को नक्सलवादी घोषित कर रहे हैं, जिस लड़की का पीरियड नहीं आता है उसको मासिक उसकी प्रक्रिया नहीं होती, ऐसे बच्चियों को ये लोग नक्सलवादी बोल के मार रहे हैं, जो आंदोलन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है उसको नक्सलवादी घोषित कर देते हैं, आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी, मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, ये सोच खड़ी कर रहे हैं लोग, ये खिलाफ में आदिवासियों के खिलाफ में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों की है, जो मध्य प्रदेश का आदिवासी संदेश देगा वही संदेश पूरे देश में जाएगा, और मध्य प्रदेश के ही आदिवासियों को बोल रही है कि आदिवासी भारत का मालिक नहीं है और भील आदिवासी नहीं है, भील यानी बिला बारेला, भील बारेला बिलाला, ये जितनी अपनी वंशज है ये पूरे लोग कोरकू, ये इतनी हिम्मत कैसे करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लोग, हमारा पढ़ा लिखा आदमी बोलना नहीं चाह रहा है, डर गया है, अपने अधिकारी डरता है कि मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, मेरा सीआर खराब कर देंगे, अपना मंत्री डरता है कि दूसरी बार टिकट नहीं देंगे,
अगर पार्टी बनेगी समाज, तू समाज के भरोसे छून के आ रहा है या पार्टी के भरोसे? समाज के। अगर आदिवासी नहीं होता तो अधिकारी नहीं होता, कर्मचारी नहीं होता, विधायक नहीं होता, मंत्री नहीं होता। ये जो वास्तविकता है इसको खड़ी करने के लिए काम करो। इनका पुतला लगाना बड़ी बात नहीं है, इनके विचारों को लेकर एक मिशन चलाना बड़ी बात है। वो मिशन चलाने की बात करो। अरे तुम एक जगह नहीं आओ मैं तो लड़ोगे कैसे यार? थोड़ा चीटियों से सीखो, थोड़ा जानवरों से भी सीखो। वो एक जगह आते हैं। मुख्यमंत्री जी को लगता है आदिवासी तो एक जगह आ गए, इनको थोड़ा बोल दो, बांट दो, दारू दे दो, इनके नेताओं को खरीद फरूद कर लो, काम बन जाएगा। ये जो लाइन है इसको चुपचाप कर दो, ये खामोश रखो, इस बात को समाज में खत्म कर दो। इनको बता दो कि जो आदिवासियों का निर्णय होगा वो सामाजिक निर्णय होगा, कोई राजनीतिक निर्णय नहीं होगा। आदिवासी समाज तय करेगा मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चलेगी। ये समझाने का समय आ गया है और ये एक संदेश मैं देके जा रहा हूं आपको कि ये जो समाज है नेताओं के विचारों पे नहीं चलेगा, ये नेताओं के विचारों से भी नहीं बचेगा। अगर इसको बचाना है तो ये शहीदों के विचारों को ही लेके चलना पड़ेगा। आपको दूसरा रास्ता नहीं है, आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो तो ये जो रामदेव बाबा है, हमारा रामदेव है, उसकी टीम है, ऐसे सभी लड़के जो अंदर है जेल में, पांच लोग गए तो छह पुतले बिठे, पांच लोग गए तो 5,50,000 आदिवासी सरकार के खिलाफ में हो गए, 25 जाएंगे तो 25,000 यानी 2,500,000 आदिवासी सरकार के खिलाफ में हो जाए। ये माहौल बनना चाहिए। जेल से क्या डरना, जेल में तो रेस्ट लें दो उनको, प्लानिंग करो। जेल तो बहुत अच्छी चीज है, जो जेल नहीं गया उसको आंदोलन कैसे समझेगा? यही तो ट्रेनिंग है। कान के पास से गोली भी जाना चाहिए, कान के पास से गोली भी जाना चाहिए, आवाज का तुमको अंदाजा आ जाना चाहिए। नहीं तो पता है भैया कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसा हूं तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष में अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या कर लेंगे बे? दिमाग में होना चाहिए, ये सोच दिमाग में होना चाहिए। बच्चे बच्चे के सोच, बच्चे बच्चे के दिमाग में ये सोच आनी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी आदिवासियों की रहनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में तुम लोगों ने सभा लिए, आने वाले समय में तुमको तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जैसी जैसी तुमको तकलीफ होंगी वैसी वैसी गवर्नमेंट को भी तकलीफ होंगी, व्यवस्था को भी तकलीफ होगी। और किसी को लगता होगा कि आदिवासी ऐसी है आंडू मांडू, तो एक बात ध्यान में रखो, एक बिरसा मुंडा था तो सबको हला के रख दिया, अब हजारों की संख्या में टंटे बन जाएंगे, बिरसा बन जाएंगे, रेंगा पुरकू बन जाएंगे तो क्या होगा गवर्नमेंट का? थोड़ा सोचो, किसकी औलाद है हम, किसका खून है हमारे में? इस समाज को बचाएंगे कैसे, इस बारे में सोचना शुरू करो मेरे भाइयों। ये समाज नाम की चीज जो है यही तुम्हारा आखिरी रास्ता है। तुमको पार्टी नहीं बचा सकती है, तुमको नेता नहीं बचा सकता है, तुमको अगर बचा कोई सकता है इस परिस्थिति में तो केवल समाज। और उसको जिंदा रखो, उसको एक जगह लाओ, एक विचारों से जुड़ जाओ, दूसरा कोई रास्ता आपके पास में नहीं है। अरे देश में तो राष्ट्रपति भी आपकी है, भी आदिवासी राष्ट्रपति है, और ये बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। ये दोनों बातें देखो, आदिवासी राष्ट्रपति, हमने आदिवासी का राष्ट्रपति बनाए, और यही लोग बोल रहे हैं वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं है। इस षड्यंत्र को समझो, आपको खत्म करने की साजिश है, आपके अस्तित्व को ही खत्म करने की साजिश है। मेरे जितने युवा साथी है, जितने कार्यकर्ता लोग हैं, मैं आप लोगों से विनंती करता हूं, संगठन से, पार्टी की बातों से ऊपर उठ के समाज के लिए काम करो। जिस दिन आदिवासियों का सामाजिक स्वरूप खड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक एससी भी आएगा, ओबीसी भी आएगा, उनको भी कोई पर्याय नहीं है।
अगर इस देश के मुसलमान को बोलना है, क्रिश्चियन को बोलना है कि मैं मंजूवासी हूं, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं। इस देश के ओबीसी को बोलना है कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको भी बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं। इस देश के शेड्यूल कास्ट को भी बोलना है कि मैं देश का मालिक हूं, तो उसको भी बताना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। अगर ये सच्चाई है तो आपको इस आंदोलन को समझना पड़ेगा। ये आंदोलन किसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ में नहीं है, ये आंदोलन किसी पार्टी के या जातिवाद के किसी संगठन के खिलाफ में नहीं है, ये उन विचारों के खिलाफ में है जो इस देश की मूल मालकियत को नकारता है। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये आदिवासी मुक्त भारत की बात है। और ये हिंदू राष्ट्र के हलवे में ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोगों के पास व्यवस्था ही नहीं है उसके पेट पानी की, उसकी रोजी रोटी की। ये लोग बिजनेस माइंडेड है, ये व्यापारी है, इनका दिमाग व्यापार में है, हर चीज का धंधा करना चाहते हैं। राजनीति का भी धंधा हो गया है। अभी राजनीति लोग धंधे के हिसाब से करते हैं, इतना लगाऊंगा तो इतना कमाऊंगा, उसमें कुछ अपने भी नेता शामिल हो रहे हैं। इनसे थोड़ा सतर्क रहो, मिशन चलाओ, ईमानदारी से काम करो, समझदारी और ईमानदारी को साथ में रखो। जो रेंगा तोरकू ने किया, जो भगवान टंका भील ने किया, ये लोगों ने जात के लिए अपनी जान नहीं दी, समाज के लिए दी। तुम्हारा सक्का बच्चा भी फांसी में तख्ते पे नहीं चढ़ता है तुम्हारे लिए। ये जिन लोगों ने किया, यही तुम्हारे ओरिजिनल भगवान है। कुछ अपने गोंडवाना के साथी वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, मैं सर सुना हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, बे आदिवासियों में भगवान किसको बोलते हैं? हम उन्हीं लोगों को भगवान बोलते हैं जो हमारे पूर्वज मर गए, उन्हीं को अपना पेन मानते हैं, उसी को अपना बड़ा पेन मानते हैं अपन, वहीं पे हम लोग अपना पेन खाना बनाते हैं। अगर इस जगह पर, इस पवित्र जगह पर अगर महापुरुष का गाथा बिठाई गई है, तो इसमें तुमको नाखुश होने की, नाराज होने की बात नहीं, तुमने खुश होना चाहिए, तुमको अभिमान होना चाहिए कि यहां पर इतने सारे महापुरुषों का पुतला बैठा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इस क्षेत्र को, उस जगह को क्रांति स्थल नाम दो, मूलवासी क्रांति स्थल उसका नाम रखो, क्योंकि एक आदमी का पुतला नहीं है, आपने बहुत बड़े बड़े लोगों का पुतला बिठा दिया जो भगवान से बड़े हैं। एक बात पूरे आदिवासियों ने अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जब से भगवान पैदा नहीं हुआ था इस देश में, तब से आदिवासी रहते हैं। ये भगवान से भी पहले के रहने वाले लोग हैं। ये हमको नहीं बता सकते कि तुम वनवासी है, तुम फलाना वासी है, ये आदिवासियों को नहीं समझाने का। वो मालिक था, है और रहेगा। अरे आप धर्म बदल सकते हो भाई, खून का बदल सकते हो, उसकी संस्कृति बदल सकते हो, उसके डीएनए बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। इसी मध्य प्रदेश में ऐसे क्षेत्र है बालाघाट के पास में, इधर बाकी जगह पिछड़े हुए क्षेत्र है। साला मैं देख रहा हूं, मैं बराबर बोलता हूं हमेशा, वहां पे एक एनएसएन की गोली नहीं मिलती, लेकिन बंदूक की गोली मिल रही है। इसके बारे में सरकार कुछ नहीं बोलती। आदिवासी बच्चा अपने बाप की लाश को कंधे पे रख के लेके जाता है, तब सरकार कुछ नहीं बोलती। आदिवासी मजदूर भूख से मर जाता है कोरोना काल में, तब सरकार कुछ नहीं बोलती है। अपने बच्चों को पत्थर पका के खिलाते हैं, तब सरकार कुछ नहीं बोलती है। लेकिन रामदेव बाबा को बुखार आ गया है तो मुख्यमंत्री को बुखार आ जाता है, क्योंकि वहां पैसा लगा हुआ है। पूरे तुम्हारे जंगलों पे इंटरनेशनल कब्जा होने वाला है, तुम्हारी जमीनों पे इंटरनेशनल कब्जा होने वाला है, कोई नहीं बचने वाला है। जितने किसान है, किसान की कोई जात नहीं होती है, वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन किसान नहीं बचने वाला है मध्य प्रदेश में, क्योंकि इन्होंने लैंड बैंक बना दिया है। लैंड बैंक का मतलब होता है जमीन का बैंक। तुम लोगों ने पैसे की बैंक के बारे में सोचा होगा, सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार तो जमीन बैंक की बात कर रही है कि हमारे पास जमीन है, आओ पैसा लगाओ, तुमको सब्सिडी देते हैं हम, यार आज करो, यानी जमीनें बेची जाएगी किसकी? किसानों की। और अधिकतर जमीनें किसकी बेची जाएगी? आदिवासियों की, क्योंकि आदिवासियों की जमीन सस्ती है। शर्मा साहब की जमीन रहेगी तो वो 10 लाख रुपए एकड़,
और आदिवासी की जमीन रहेगी तो 1,00,000 रुपए एकड़। क्यों रे बाबा, उस जमीन पे गेहूं होता है, इसके जमीन पे भी गेहूं होता है, वो भी जमीन है, ये भी जमीन है। ये आर्थिक जो तुम्हारे बीच में आर्थिक तुलना हमारी की गई है, आदिवासी की जान की कीमत 1,00,000, शर्मा जी की जान की कीमत 25,00,000। 25,000 लोग गए होंगे हमारे करनी भाई लोग, तो उनको सुन लेंगे। यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग रहेंगे, लाखों लोग रहेंगे, उनको नहीं सुनेंगे। इनकी नीति है, ये आरक्षण विरोधी सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है, ये आदिवासी ओबीसी विरोधी सरकार है। इसलिए बाबा साहब ने बोला, बाबा साहब का पुतला आपने लगाया है, मैं इसलिए सम्मान करता हूं बाबा साहब का कि बाबा साहब को मालूम नहीं रहता था उनकी औलाद मर गई है, उनको 1 महीना बाद पता चलता था वो व्यक्ति अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे बाहर देश में। ये बाबा साहब की सोच है, यही महात्मा फुले की सोच है, यही बिरसा मुंडा की सोच है, यही टंडा भील की सोच है। जहां बाबा साहब पैदा हुए वहीं पर टंडा भील का क्रांति स्थल है, मऊ में पाताल पानी, वही भगवान रेंगा कुरकू का स्थान है, ये वही मीटिंग करते थे, वहीं से आंदोलन चलता था पूरे देश में, सह्याद्री में, सतपुड़ा में आंदोलन चलता था। पहले देश के नाम से नहीं जानते थे, पहाड़ों के नाम से जानते थे, ये आपको समझना चाहिए। अरे देश तो अभी पैदा हुआ है, अभी ना, देश नाम की चीज तो अभी आई जब संविधान बना है, इसके पहले क्या था? जब देश नहीं था, जब ये आर्य नहीं थे, जब भगवान नहीं थे, तब आदिवासी थे, इस देश के मूल मालिक, तब से हम लोग रहते हैं। अपने आप को मालिक बोलना शुरू करो। अगर टंट्या भील का पुतला आप लोगों ने रखा है भगवान का, तो आज से अपनी जिंदगी सुधारो, एक नई सोच के साथ समाज को खड़ा करो, समाज के लिए एक आ जाओ। कोई जातिवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई पार्टीवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, समाज और समाजवाद के लिए समाज को खड़ा करो, एक सामाजिक मिशन चलाओ, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज रहेगी। आप लोग काफी देर से बैठे हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग तकलीफ में हैं, लेकिन आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जितने लोगों ने ये आयोजन किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी आम सभा ली है आपने। ये सभा समाज को एक नया रास्ता दिखाएगी, यहां से हर एक आदमी एक नया संदेश लेके जाओ कि हम समाज में जीना कैसे है, समाज के लिए जीना कैसे है। आपको समाज में जीना नहीं है, समाज के लिए जीना है, समाज के लिए कुछ करना है। ये पार्टी नाम को चिंता चीजों के लिए काम मत करो, नेता नाम की चीज के लिए काम मत करो, समाज नाम की चीज के लिए काम करो। कितने बड़े दीवाने थे, तुम्हारी कौम के लिए हंसते हंसते फांसी का तख्ता चढ़ा दिया। भगवान टंटा भील को बोले, तुम किसको मिलना चाहते हो फांसी के पहले? तुम्हारी बहन आई है, तुम्हारे घर के लोग आए हैं। टंटा भील ने बोला, मैं अपने समाज को मिलना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने समाज को अपना भगवान मानता हूं, मैं इनके लिए जी रहा हूं। वही बात बिरसा मुंडा के साथ हुई, उन्होंने तो किसी से मिलने से इनकार कर दिया था, बोले मैं सिर्फ उन लड़कों से, उन युवाओं को मिलना चाहता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, जो मेरा उलगुलान आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं खून के रिश्तों पे भरोसा नहीं करता हूं, मैं विचारों के रिश्ते पे भरोसा करता हूं। अरे आदमी एक औलाद पैदा कर लेता है छोटी बात है, लेकिन विचारों से आदमी तो हजारों लाखों लोगों को पैदा कर लेता है। उस आंदोलन की बात बिरसा मुंडा ने किया, बिरसा मुंडा ने बोला हम आर्थिक रूप से गरीब रहेंगे चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो आदमी विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलामी मर जाता है। आपको गुलामी से निकलना है, कैटेगराइज करो, प्रशिक्षण दो, शिविर चलाओ, मूवमेंट चलाओ, मिशन के साथ में खड़े रहो। आप संगठन कौन से है, 50 बनाओ ना पायली के, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ये लोग संगठन से नहीं डरेंगे भाई, ये तुम्हारी सोच से डरेंगे। इनको डराना, इनको जीतना है तो पहले विचारों से जीतो, विचारों से जीतो, तब जाके तुम सामाजिक लड़ाई को अंजाम दे सकते हो। आज के मौके पर मेरा भी बोलना ज्यादा वाजिब नहीं है, मैं ठाकुर दादा, जितने लोग हैं बाकी, जादव दादा, सीमा दाई, वो हमारे राजस्थान से आई ताई, हमारी बाकी जितने साथी हैं जयस के, ये सब लोगों से मैं विनती करता हूं,
हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, अकेले में सोचो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मिशन चलाने के सिवा। कुछ भी करो चलाना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है और वो मिशन इन्हीं के विचारों से चलाना पड़ेगा, दूसरा कोई विचार नहीं है तुम्हारे पास। किसी राजा ने तुमको कुछ नहीं दिया, जो कुछ दिया है इन लोगों ने दिया है, यही वास्तविक भगवान है। इनके साथ में रहो, इनके विचारों से चलो। बहुत बड़ा काम किया आपने, ये पुतले यहां पर बिठा दिए, जिन लड़कों ने और जिन उनके साथियों ने मेहनत की, जोरदार तालियां होना चाहिए, वो नेता है अपने, उन लोगों ने काम किया, ये बड़ा काम है, मैं सैल्यूट करता हूं तुमको। और जितने भी कार्यकर्ता है, युवा है, लग जाओ काम से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, समाज के लिए काम करने के लिए तुमको किसी की जरूरत नहीं है परमिशन की। समाज तुम्हारा है, दुख तुम्हारा है, शोषण तुम्हारा हो रहा है, तो लड़ाई भी अपनी होनी चाहिए। लड़ाई अपनी है तो मिशन भी अपना होना चाहिए, मिशन अपना है तो उसके लिए कुर्बानी भी अपनी होनी चाहिए। जो ओबीसी भाई है, जो बाकी दूसरे भाई है, उनको भी समझाओ ये रास्ता है रे भाई, यही रास्ते के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप पूंजीवाद के खिलाफ तभी लड़ सकते हो जब आपको दुश्मन दिखाई देगा, आप जातिवाद के खिलाफ में तभी लड़ सकते हो जब आपको दुश्मन दिखाई देगा, आप यहां पर जो साम्राज्यवाद है उसके खिलाफ में तभी लड़ सकते हो जब आपको दुश्मन दिखाई देगा। जब आपको दुश्मन दिखेगा ही नहीं कैसे लड़ोगे? और उससे बड़ी दुख की बात है, तुमको तो अपना भाई भी दिखाई नहीं देता है, ये बहुत गंभीर बात है। आज के दिन कुछ ले जाने लायक है आपके पास तो इनकी प्रेरणा है, इनकी याद है। अपने बाप को देखो, अपने बच्चों को देखो, कौन तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिया है इनके अलावा? तो आपको आखिरी में एक ही आंसर मिलेगा, सिर्फ इन्होंने ही दिए, किसी ने नहीं दिया। इनका सम्मान है, ये शहीदों का सम्मान है, इसका किसी नेतागिरी और बाकी सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग समाज के लिए ईमानदारी से और समझदारी से काम करो, यही मेरी आपसे अपील है। आने वाले 26 तारीख को भगवान टंटा भील के जन्मदिन के दिन 26 जनवरी को हम लोग पाताल पानी में बहुत बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक दीक्षा कार्यक्रम ले रहे हैं। उस कार्यक्रम में आप लोग, आपको किसी की जरूरत नहीं है कोई पॉम्पलेट की नहीं, लग जाइए काम से। आपको पाताल पानी जाना है, कम से कम 2-4-5 लाख आदिवासी वहां दिखाई देना चाहिए, देश में नहीं विश्व में मैसेज जाना चाहिए कि टंटा भील कौन है। आज हम लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तक के टंटा भील को पहुंचाए हैं, नॉर्थ ईस्ट तक के पहुंचाए हैं। हमारी इच्छा है कि रेंगा कोरकू को, टंटा भील को, बिरसा मुंडा को, शंकर शाह रघुनाथ शाह को अफ्रीका के भी आदिवासी पहचानना चाहिए, पाकिस्तान का भी आदिवासी पहचानना चाहिए, अमेरिका का भी आदिवासी पहचानना चाहिए। क्योंकि अभी तुमको अंतर्राष्ट्रीय साउंड की जरूरत है, अब अंतर्राष्ट्रीय संविधान बन रहा है और इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ में चाल चल दी है कि भारत में आदिवासी नहीं है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संविधान में तुम्हारा उल्लेख रहेगा कि नहीं? अगर नहीं रहेगा तो तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी, थोड़ा सोचो मेरे भाइयों। हाथ जोड़ के विनती है, इस मुद्दे पर बात करो, इसी मुद्दे को समझो, इस षड्यंत्र को समझो, अपनी पीढ़ी को समझाओ, अपना दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है वो समझो और काम करो, यही आखिरी रास्ता है अपने पास में। और यही आदरांजलि इन महापुरुषों को। मैं बिरसा ब्रिगेड का एक कार्यकर्ता हूं, बिरसा ब्रिगेड मेरी नहीं है, ये जो विचारधारा पूरे देश में हम लोग फैला रहे हैं मेरी नहीं है, ये इन्हीं की है, इन्हीं महान आत्माओं की विचारधारा है। कोई जातिवाद करने का नहीं, ये भील है, बिलाला है, बारेला है, ये फालतू बातें निकालो, ये गांडूगिरी की सोच छोड़ो, मत बनो। आदिवासी यानी आदिवासी, तुम्हारी संस्कृति एक, तुम्हारा समाज एक, तुम्हारा खून एक, तुम्हारा डीएनए एक, तो तुम्हारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए और मिशन भी एक होना चाहिए। यही रास्ता बताया भगवान टंटा भील ने, भगवान रेंगा कोरकू ने, भगवान बिरसा मुंडा ने, भगवान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने। बाबा साहब का झुकाव आदिवासियों की तरफ था, बुद्ध धर्म लेने के पहले बाबा साहब आदि धर्म ले रहे थे, उनको समझ में आ गया था कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, इसलिए 5वीं-6वीं अनुसूची रखे। जो कायदा कानून जो बनाया गया था बिरसा मुंडा के समय पे, उस कानून को वैसे के वैसे भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने रखा।
क्योंकि बाबा साहब को यह मालूम था कि मेरे को संविधान बनाने का मौका किसके आंदोलन की वजह से मिला है, बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से मिला। साथियों, बहुत बड़ा आयोजन आप लोगों ने किया है, बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ओबीसी समाज के, एससी के, एसटी के, अन्य हमारे ब्राह्मण भाई भी है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, सही रास्ता चुनो, और खास करके आदिवासी समाज के लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आप मिशन नहीं चलाओगे तो मारे जाओगे। संगठन से डरती नहीं है गवर्नमेंट, और जो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे 2000 संगठन भी एक जगह बैठ जाएंगे तो डरेंगे नहीं। तुम्हारी मिशनरी सोच बन जाएंगे ना तो तुम्हारे 10 लोगों से ये लोग डरेंगे। वो ताकत पैदा करो, विचारों की ताकत पैदा करो, विचारों का मिशन शुरू करो। आदमी के नाम से नहीं पहचानना चाहिए, ऐसे कई सतीश पेटनाम आएंगे और मर जाएंगे। आदमी कौन है मिशन में? आदमी बूढ़ा भी नहीं होता और मरता भी नहीं है। मिशन में एक ही चीज नहीं मरती है, उसका कारण है, उसकी वजह से ही आदमी नहीं मरता है, वो है विचारधारा। तंटाबील हमारे बीच में है, हमारे बीच में रेंगा कोड़कू है, हमारे बीच में बिरसा मुंडा है, हमारे बीच में अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर है, हमारे बीच में शंकर शाह रघुनाथ शाह है। उसका कारण एक में है कि वो सोच है, वो विचार जिंदा है करके ये जिंदा है, इसलिए आपने उनका पुतला बिठाया है, नहीं तो आप किसी भगवान का पुतला बिठा देते। और भी लोग हैं, आप मेरे को पानी पिला रहे हैं, अपने को दूसरे को पिलाना है पानी, सबको पिलाना है। हाँ, अच्छा लोग नहीं है पर, हाँ बोल रहा, पर दूसरे लोग भी है। मैं इतने दूर से सिर्फ इसलिए आया कि आप लोग समझ जाओ कि करना क्या है। आप ये लड़ाई पार्टी के भरोसे नहीं लड़ सकते, ये लड़ाई नेता के भरोसे नहीं लड़ सकते। इस लड़ाई को जीतना है तो समाज नाम की चीज तुम्हारे पास होना चाहिए, पूरा समाज एक विचारों से चलना चाहिए तो जीतोगे, नहीं तो जैसे थे वैसे हो जाओगे। पहले तुमको मूलवासी बोलते थे, बाद में आदिवासी बोलने लग गए, अब वनवासी बोल रहे हैं, 5 साल में स्वर्गवासी बोलेंगे। तो ये तुम्हारे खिलाफ में आंदोलन चालू हो गया है, खुले आप आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं। अबे उसको आदिवासी बोलने से डर रहे क्यों है? क्योंकि ये जानते हैं ये मालिक है, तुम्हारी पहचान खत्म करना चाहते हैं। आदिवासी ने किसी धर्म से कभी द्वेष नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का आदमी रहे, आदिवासी सबको गले लगाता है। आदिवासी के स्वभाव में नहीं है, लेकिन इन लोग कूटनीति के द्वारा आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसको समझो, इस षड्यंत्र को समझो और अपने शहीदों के विचारों को लेकर चलो, यही आखिरी रास्ता है अपने पास। 26 जनवरी का मैं आमंत्रण देने आया था आपको, पाताल पानी का, जो राजस्थान के लोग हैं, बाकी अलग अलग राज्यों के लोग हैं, मैं उन लोगों को भी बोल रहा हूँ, हमारी किसी की जरूरत नहीं, सब लोग मिलकर एक हुजूम के रूप में वहां पर चलना है, और एक सामाजिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम में आप लोगों को खड़े होना है। एक रिकॉर्ड बनना चाहिए कि 2 लाख लोगों ने, 2 लाख आदिवासी युवाओं ने भगवान टंट्याभील को अपना क्रांतिकारी सलाम दिया है, भगवान रेंगा कोड़कू को क्रांतिकारी सलाम दिया है। ये बात आपको जताने के लिए, दिखाने के लिए, समाज में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताने के लिए ये करना जरूरी है। आप लोग समझदार है, आपको किसी चीज के साधन सुविधा की बात नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल प्रोग्राम नहीं है, सामाजिक है। आप सब लोग खुद की स्फूर्ति से, खुद के पैसे से, गांव गांव के लोग इकट्ठा होकर इस मिशन को आने वाले 26 तारीख को आप लोग सक्सेस करेंगे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय आदिवासी। ताली बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद दादा ने, जो अमूल्य विचार हमारे